भाई यार घर में सांप घुसा हुआ है, देख रहे हैं? भाई देख रहे घर में सांप घुसा हुआ है। लेकिन सर पूंछ कटी है माँ, दुमुहा है का कि कोई काट खाएगा है साले की, इसीलिए नहीं जैसे बिना अंधेरे के मिला। तुम हमारी बात सुनता ही नहीं हो भैया, क्या करिए कहाँ फोन मिला दे रही हो भाई देख रहे साहब डर लग रही है, वो कोई बुलावा ना है माँ भाई देख रहे जा रहे हैं। नहीं भैया है तो जो चली तो नहीं रही जो जाओ भाई भाई फटाफट तो लकड़ियां लगा दो, गोल हो जाए ना लगा भाई लकड़ी जान दे जल्दी जल्दी जी। जाओ 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 भाग जाओ। अब तो जोर चलने लगी, बढ़िया जी है देखो अंधेरे में। हां उठा खा लियो भाई से दे, नहीं चलला चलो चिकनी हो से दे। हां बहुत है, अब तो भाग ही बहुत जोर है, जोर नहीं उठाओ चिमटा दे दे देख के रहे हो। अरे मैं जा हां हां बोले दबा मुंह, हां मुंह दबा मुंह दबा जा बरियम। हां हां चली गई, हां चली गई चली गई मुंह चली गई। हां जान दे जान दे चली गई चली गई चली गई बरियम चली गई बरियम चली गई भाई चली गई चली गई चली गई हो गया काम। हम पकड़ ली हटा ले गुरु हटा दिखा वैसे ही जाओ भाई डंडा ले जाओ इसी डंडा उसी जाओ आओ ना घरे भाई। मम्मी मम्मी इतना डर गई बोरी बिस्तर पूछ करके पुराने घर चल रही है भाई, फोन में लाइट भी नहीं चल रही क्योंकि फोन गर्म हो गया ना इसी वजह से। तो भाई यार रात में सांप निकलने से फिर यार अब वहीं पुराने घर पे पड़ रहे हैं सो रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पे ना इस वाले घर पे बहुत दिक्कत है। दिक्कत ये हो रही है कि सांप कीड़ा मतलब वो मतलब जितने जानवर वैसे हैं ना सब आके घर ही में बैठ रहे थे, तो भाई इसी वजह से फिर वहाँ पुराने घर पे पड़ते हैं। और दूसरी बात भाई जब से बाढ़ आई है और घट गई है ये वाला भाई पानी देख रहे भाई आसपास सब भरा हुआ है, ये बहुत गंद मारता है कसम से भाई, इतना गंद मारता है मम्मी तो कहती हैं पता नहीं हमारी नाक में क्या हो गया बहुत पानी गंद मारता है। तो भाई यार बाढ़ आने से बड़ी दिक्कत अब हो रही है, मतलब पानी घट भी गया तब भी, और जब से पानी घटा है तब से हम खेत भी नहीं गए यार भाई, क्या देखने जाए यार बर्बादी का नज़ारा है वहाँ, क्या देखने जाए। हाँ भाई अब जाएंगे थोड़ा वो पानी घट जाए, ये कहो कि गाजर नहीं बोई थी हमने बीज रखा है, अब थोड़ा मतलब खेत सूख साख जाए फिर जाए भाई। यही है यार मसला, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि यार रोहित भाई गांव में तो बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत बढ़िया है गांव में, तो भाई बढ़िया है सब कुछ है लेकिन यार यहाँ भी दिक्कत है। मान लिया जब बाढ़ आ जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, अब इस समय तो मम्मी मम्मी कैसे गिना दे बहुत बुरा गिना भाई, पीछे दिखा रहे बदबू दे रहा सब बदबू बदबू है देख रहे भाई, ये सब पूरा बहुत बदबू देता है यार भाई। अब मम्मी कह रही हम जाए पुराने गाँव, तो भाई यही है मसला, मम्मी बहुत यहाँ आप कम रुकती हैं, हम भी रात में मम्मी दोनों लोग वहीं पुराने का निकल जाते हैं, अब यहाँ मम्मी कह रही मजबूरी में यहाँ आते हैं बहुत बदबू आते हैं। तो भाई यार यही है सांप कहीं कुछ कहीं कुछ, देखा रात में सांप निकला तब की लाइटें यार जलती हैं, अब लेकिन यहाँ ये गांव के बाहर थोड़ा घर बना है ना तो सांप आप आओ गांव में यार तो ऐसा होता ही है, तभी मैं सोच रहा था कि यार अभी नहीं आगे चल के ना दरवाजों पर जाली का गेट लगवाऊंगा, मतलब एकदम लॉक, ये नहीं समझते कि मतलब दीवार सील मिला के पूरा एकदम पूरा बकायदा कहीं लॉक हो जाए ताकि इस प्रकार के सांप आप ना आ पाए, लेकिन यार उनको आना होगा वो तो छत पे भी चढ़ के आ जाएंगे। हाँ तो हालांकि कराऊंगा भाई बाद में, तो ठीक है यार भाई बाय बाय, आज के ब्लॉग में बस इतना ही यार। और हाँ तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे यहाँ, मैं थोड़ा सा वीडियो एक ही डाल पा रहा हूँ कभी नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि यार हमारे यहाँ बाढ़ की वजह से जैसे मान लिया जहाँ पे टावर नेटवर्क है यहाँ हमारे आस पास पड़ोस में तो वहाँ पानी भर गया है, तो पानी की वजह से मुझे लगता है कि नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है यार, ठीक ठाक से बात भी नहीं होती यार मतलब, तो इसी वजह से थोड़ा बड़ी दिक्कत है। तो भाई थोड़ी दिक्कत सामना करना पड़ रहा है, चार पाँच दिन और
जब तक पानी यानी सूख जाएगा तब फिर से वही नॉर्मल लाइफ हो जाएगी। तो ठीक है भाई, बाय बाय।